हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरवीर। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि होम वर्कआउट से उनकी बॉडी जो बन नहीं रही, मसल गेन नहीं हो रही। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिम जाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो होम वर्कआउट से अच्छी मसल गेन कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं कि आप लोगों की जो मसल है वो ग्रो क्यों नहीं कर रही, आपकी बॉडी घर पर क्यों नहीं बन रही। इसका पहला रीज़न है वो ये हो सकता है कि आप लोग जो है वर्कआउट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि वर्कआउट करना कैसे है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिम वाले होते हैं उनका रूटीन चलता है, मंडे को वो लोग चेस्ट लगाएंगे, ट्यूजडे को वो लोग बैक लगाएंगे ऐसे। बट आप होम वर्कआउट में क्या रहता है, हम लोग ऐसे नहीं करते। होम वर्कआउट में हम पूरी बॉडी एक ही दिन में बॉडी का हर एक पार्ट कवर करके चलते हैं और थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि वो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं। अगर आपने पूरी बॉडी का वर्कआउट कर लिया फिर उसके बाद आपने चेस्ट डिसाइड किया क्या चेस्ट होगा, तो चेस्ट की एक्सरसाइजेस करो। सेकंड रीज़न इसका ये हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मसल विलेज लेके आओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी या फिर और सब चीज़ें लाओगे तभी बनेगी। सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप कभी भूखे मत रहो, क्योंकि आपका जो पेट अगर खाली रहेगा तो आपकी बॉडी है वो आपके अंदर से जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपके अंदर न्यूट्रिशन है उसको लेगी। तो आप लोग कोशिश ये करो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, खाते रहा करो और कुछ ऐसी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करो जो सही हो। फालतू मत खाओ, पेट भरने की नहीं कह रहा हूँ मैं, पेट में जा रहा है वो सही होना चाहिए। दूध, दलिया, ये सब चीज़ें सबके यहाँ होती हैं, इन्हें खाओ। अगर आपके यहाँ केले अवेलेबल हैं तो वो खाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अगर दूध है, केले हैं और आपके यहाँ रोटी है तो वो खाओ। डाइट जो है बना लो, बादाम ले आओ घर पे, ज़्यादा हो तो किशमिश ले आओ, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पर रखो। एंड जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि आप लोग हो सकता है पोर्न देख रहे हो। आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप नज़र के सच्चे और लंगोट के पक्के बनो आपको करना होगा। अगर आपको अपनी मसल बनानी है तो आप लोगों को जो अपना सीमन है उसको अपनी बॉडी के अंदर रखना होगा। डू नॉट मास्टर वेट, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं खुद के अंदर ही आपसे गिल्टी फील करने लगते। ऐसी चीज़ें मत करो जिनसे आपकी सोच गलत हो। एंड फोर्थ रीज़न इज रिलैक्सेशन। आप लोग प्रॉपर रिलैक्स नहीं ले रहे हो, मसल रिकवरी होगी कहाँ से? आप लोगों की मसल है उसको रिलैक्स मिलेगा तभी तो बिल्ड करेगी। अगर आप लोगों को रिकवरी टाइम नहीं मिलेगा, आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आप लोगों की मसल बिल्ड होगी कैसे? अब होगा कैसे? आप लोग क्या अगर 10 घंटे सो रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी मसल रिकवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम सोते वक्त सपने देख रहे हो सो तो तुम आधे घंटे ही पाते हो। अगर तुम ऐसा कर सको कि जब तुम सो रहे हो तो प्रॉपर तुम सो रहे हो, वो एक अलग ही नींद होती है, तुमको समझ में आई। कई बार ऐसा होता है हम 4 घंटे सो लें वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता कंपेरिजन टू आधे घंटे। अगर हम आधे घंटे सोएं वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ऐसा ही है भाई, अगर आप प्रॉपर रिलैक्स ले रहे हो तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वाली चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि घर पर वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर डाइट हो तो बिलीव मी कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। अगर प्रॉपर डाइट हो और आप लोग अगर प्रॉपर वर्कआउट करना जानते हैं तो आप लोगों की बॉडी बहुत ही अच्छी बन सकती है घर पे कंपैरिजन टू अदर वन। हो सकते हैं कि इनमें से कोई एक रीज़न हो जिसकी वजह से आपकी जो मसल है वो बन नहीं रही हो और आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं, मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम ज्वाइन मत करो, बट आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपैरिजन टू जिम जो होम वर्कआउट होता है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक और चीज़, थोड़ी बहुत हनुमान जी की भक्ति चालू करो, मंदिर वगैरह जाया करो। तो आप लोग इन पर फोकस करना कि कौन से रीज़न है। आपको पता होगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। और अगर आपको सही वीडियो लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर होम वर्कआउट की वीडियो डालता रहता हूँ तो आप लोग चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।